कसेरला सहित एक दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित किया अर्जुन चौटाला ने। कुरुक्षेत्र इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने कहा कि वे कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में केवल वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस इलाके की जनता का चौधरी देवीलाल के समय से चला आ रहा जो चार पीढ़ी का रिश्ता है उसे आगे बढ़ाने के लिए आया। अर्जुन चौटाला गांव कसेरला में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गांव में पहुंचने पर भूषण लाल सैनी ने अर्जुन चौटाला को सम्मान स्वरूप पगड़ी भेंट की। उन्होंने गांव सिरसला, रतनडेरा, टोडाखेड़ी, बहादुरपुरा, सिंहपुरा, हसाला व विभानी खेड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। पहला हफ्ता है और बहुत बढ़िया हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और रही बात कितना हमें लोगों से जुड़ाव महसूस हो रहा है, तो लोगों से तो जुड़ाव भी आज से नहीं, ये तो बचपन से हमें महसूस होता है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार जब भी कभी जनता के बीच में जाते हैं उनको इतना प्यार मिलता है, उनको इतना प्रेम मिलता है, उनको इतना मान मिलता है। आज भी जब यहाँ पर आता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ पूरे हरियाणा में, मेरे बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरे युवा साथियों को मुझे साथ मिलता है। अर्जुन का केवल एक ही धर्म है, वो इंडियन नेशनल लोकदल है, और दूसरा धर्म अर्जुन का कुरुक्षेत्र की जनता है। इन दो चीज़ों के अलावा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन दो लोगों के प्रति बनती है, कुरुक्षेत्र की जनता के प्रति बनती है, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता। देखिए जी, रेलवे लाइन का भी मुद्दा है, और सिर्फ पटियाला और यहाँ का मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा कुरुक्षेत्र से हरिद्वार पहुँचाने का भी है। जब मैं यहाँ के जब साथी मेरे को ये मौका देंगे, चाहे मुझे पार्लियामेंट के वेल में जाना पड़े, चाहे मुझे किसी मंत्री से समय लेना पड़े, चाहे मुझे प्रधानमंत्री से समय लेना पड़े, जहाँ जहाँ जितना जितना मेरे से हो सके, जहाँ जाकर मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़े, मैं ये करने को तैयार हूँ। पहले भी अगर हम बात करें कोशिश करने की, तो मैंने देखे हैं निरंतर कई बार कई ऐसे सांसद देखे हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते, निर्दलीय होते हैं, पर वो अपनी मेहनत से अपने इलाके में विकास लेके आते हैं। मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे साथियों का मेरे पास साथ है, और निरंतर मैं कुरुक्षेत्र की जनता के लिए मेहनत करता हूँ। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।